तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूँ टेक एंड ट्रैवल बी में। फ्रेंड्स, आज हम अपाचे 164V स्पेशल एडिशन का हम वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यदि बाइक में वाइब्रेशन ज़्यादा होते हैं तो राइड उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियां हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। एक्चुअल में जो रॉयल एनफील्ड की जो पहले की बाइकें हैं उनमें ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, बट जो मीटियोर का जो इंजन आया है रॉयल एनफील्ड में वह काफ़ी कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। और यही इंजन जो नई वाली क्लासिक है उसमें भी यही इंजन मिलने वाला है 2021 वाली। और फ्रेंड्स, वाइब्रेशन का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है आपकी कंफर्टेबल राइडिंग में। यदि गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशन होता है तो मिरर भी ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और पीछे का जो व्यू है, जो रियर व्यू है, वो भी आपको ठीक से नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप अपाचे 164V स्पेशल एडिशन परचेस करने जा रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इस बाइक को मैंने 7 दिसंबर को ही परचेस किया है। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है 164V स्पेशल एडिशन। तो यह फ्रेंड्स गाड़ी 160cc की है, लेकिन इसमें जो सारे फीचर्स हैं वो 160/200 4V वाले हैं। सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। और आज हम इस गाड़ी का वाइब्रेशन टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखिए यहाँ से यह मीटर ऑन हो गया इसका, और इसके बाद अब मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स वाइब्रेशन टेस्ट करेंगे प्लेन सीट का। तो प्लेन सीट पे टेस्ट करने के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर यह ऑन हो गया है और आप वाइब्रेशन देख सकते हैं। इस तरह के वाइब्रेशन आपको मिलेंगे देखने को, बट बहुत ही नाम मात्र के वाइब्रेशन है, क्योंकि फ्रेंड्स यह जो ग्लास है वो हाफ फिल्ड है। तो आप यहाँ पर वाइब्रेशन देख सकते हैं।
अब हम वाइब्रेशन देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं स्पीड को आरपीएम को बढ़ाता हूँ। काफ़ी कम वाइब्रेशन है। और अब मैं राइडर सीट पर चेक करता हूँ। राइडर सीट पर फ्रेंड्स बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। अभी मैं इसको ऑन करता, इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वाइब्रेशन बहुत कम है। और अब हम देखते हैं टैंक पर, टैंक पर क्या स्थिति रहती है वाइब्रेशन की। और आरपीएम को मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स आरपीएम जा रहा है लगभग 3000 आरपीएम तक। लेकिन इस तरह का कुछ आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है अदर बाइक के कंपैरिजन में। और बाकी आप बाकी आने वाले समय में मैं इसका रोड पर चलाते वक्त कितना वाइब्रेशन होता है उसका रिव्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगा। और अब हम फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी ऑन है, बहुत कम वाइब्रेशन है। इस तरह के आप देख सक पा रहे होंगे यहाँ पर। और अब हम वाइब्रेशन चेक करते हैं फुट पैक्स पर, राइडर के फुट पैक्स पर। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है राइडर फुट पैक्स पर, आप देख पा रहे होंगे। और मैं थोड़ा सा स्पीड देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और अब हम यहाँ पर वाइब्रेशन चेक करते हैं। और यहाँ पर स्पीड देता हूँ। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। तो इस तरह का फ्रेंड्स वाइब्रेशन टेस्ट है। तो फिलहाल गाड़ी में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और आपके और कोई भी यदि सुझाव हैं कि आप इस गाड़ी की और कुछ टेस्टिंग भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।